तो हेरा फेरी के पार्ट 3 के रिलीज होने की खबर शायद अभी तक आप सभी को पता चली गई होगी, लेकिन क्या ये मूवी पुरानी सभी मूवीज की तरह ही एक लेजेंडरी पीस होगी या नहीं, क्योंकि इसके पुराने दोनों ही पार्ट इंडिया के सबसे बड़े मीम भंडार में से एक है। शायद उस टाइम पर इस पिक्चर को इतनी ज्यादा एडमायरेशन ना मिली हो, लेकिन आज के टाइम पर इसका जेनर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी में फिट होता है कि हर कोई इस मूवी की तारीफ करता हुआ नहीं थकता। इसके पिछले कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था ईयर 2000 में। उस टाइम पर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 17 करोड़ रुपीस की कमाई की थी, और इसके दूसरे पार्ट यानी कि फिर हेरा फेरी रिलीज होने में ऑलमोस्ट 6 साल लग गए, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2006 में, और इस मूवी ने उस टाइम पर ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपीस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे। दोनों ही मूवीज के बारे में बात करें तो ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर सक्सेसफुल मूवी बनी, जो कि ये डिजर्व भी करती है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ एडमायरेशन से थोड़ा कम ही। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इसके कॉमेडी का जेनर लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा, जो कि आज के टाइम पर पूरे तरीके से फिट होता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ द मीम्स इन्हीं सभी मूवी से ली गई है। और अब जो इसकी लेटेस्ट खबर जो कि है फिर हेरा फेरी 3, जो कि ऑलमोस्ट 16 इयर्स बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके इनिशियल डेवलपमेंट फेज में जब इसके बारे में बात चल रही थी, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा एक्टर्स ने इस मूवी में काम करने से ही मना कर दिया था। शायद आप लोगों ने इस बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे कि अक्षय कुमार और साथ ही साथ सुनील शेट्टी ने। उस टाइम पर उन सभी का यही कहना था कि इस मूवी की स्क्रिप्ट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से थिएटर्स दूसरे सभी एक्टर्स की तरफ जाने लगे थे, लेकिन लोगों के मूवी के ओरिजिनल कास्ट को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि लोगों ने ऐसा होने से मना कर दिया। काफी ज्यादा मीम्स बनी इस चीज को लेकर, जिसकी वजह से क्रिएटर्स को समझ आया कि लोगों को पुराना ही चाहिए, और एक दो साल के बाद क्रिएटर्स ने पुरानी सभी कास्ट को मना लिया इस मूवी में दोबारा एक साथ काम करने के लिए। अब जिस चीज को लेकर इस मूवी के बारे में ट्रोलिंग चल रही है, वो इस मूवी के डायरेक्टर जो कि है फरहाद सामजी, जिनकी पुरानी सभी मूवीज जैसे कि हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट बागी 3 जैसी मूवीज, जिन्हें की ऑडियंस ने काफी ज्यादा नापसंद भी किया है, इन सभी मूवीज को पसंद करना ना करने की रही एक बात। लेकिन अगर बात करें उनके कॉमेडी के स्टाइल को लेकर, जो कि इस मूवी के जॉनर के साथ मिक्स करने की बात है, तो शायद वो इस काम में इस पूरी फ्रेंचाइज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, क्योंकि उनका कॉमेडी का जॉनर क्लासिकल मूवी से एकदम ही अलग होगा, जो कि शायद हेरा फेरी की पुरानी लेगेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि इंडियन मूवीज की फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने में ये हिस्ट्री रही है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम खराब ही बनेगी। हेरा फेरी 3 को लेकर मूवीज लवर में एक्साइटमेंट तो है, लेकिन डायरेक्टर का नाम सुनते ही हर कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो कर रहा है। हेरा फेरी के पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था नीरज वरोरा ने, और उन्हीं के साथ 3 और भी डायरेक्टर्स मौजूद थे। उसके बाद इसके पार्ट 2 यानी कि फिर हेरा फेरी को दोबारा डायरेक्ट किया था नीरज वरोरा ने, और ये दोनों ही मूवी कॉमेडी का क्लासिकल बन गई, जिसके बाद से ऐसी मूवी आज तक कभी भी इंडियन सिनेमा में नहीं देखी गई। तो आपको क्या लगता है कि ये न्यू मूवी मीम्स बना पाएगी या फिर खुद ही एक मीम बनकर रह जाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।